इंदौर में पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है और उसे गिरफ्तार कर उसके चार पहिया वाहन भी जब्त कर लिया है। वाहन इंदौर में पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है और उसे गिरफ्तार कर उसके चार पहिया वाहन भी जब्त कर लिया है। वाहन में हूटर बजाने को लेकर पुलिस ने वाहन चालक को रोका था। तो मैं आपको बताते, दरअसल मामला खजराना थाना क्षेत्र का है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश धनटोतिया द्वारा बताया गया कि सिग्नल पर वाहन खड़े हुए थे, तभी एक वाहन चालक द्वारा तेजी से हूटर बजाया जा रहा था, जिस पर से पुलिस ने आपत्ति ली और आदर्श आचरण संहिता का हवाला देते हुए वाहन को साइड में लगवाने को कहा था, जिसके बाद वाहन चालक करण नीचे उतरा और पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार कर इसके बाद वाहन चालक करण नीचे उतरा और पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और जान से मारने की धमकी दी। वहीं उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते हुए करण नामक युवक को गिरफ्तार किया है, तो उसका वाहन भी जब्त कर लिया है। करण धालीवाल। तो दारू क्यों पी के चल रहे हो? हाँ चलो देखिए, आप भाई साहब चुप्पी करवा लीजिए। तो दारू पी के चल रहे हो, काली फिल्म लगा के चल रहे हो, होटल लगा के चल रहे हो, आचार संहिता में तुम दारू की चीज में कोई भी नहीं चल रहे, ना होटल लगा के चल रहे ना दारू पी के चल रहे है। सिग्नल तोड़ रहे हो, जवानों के जवानों की भर्ती जवानों की वर्दी पकड़ रहे हो तुम। क्यों पकड़ रहे हो भैया? क्यों पकड़ रहे हो? हम नहीं पकड़ रहे। पकड़ रहे हो? आपका वीडियो है मेरे पास, आप जवान की वर्दी पकड़ रहे हो। कौन हो आप? आपको क्या अथॉरिटी है भैया किसी की वर्दी पकड़ने का? भैया हम जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे आप? जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आप क्या इंडिया में रह नहीं रहे क्या? इंदौर शहर में रह नहीं रहे क्या? हाथ तो तुम ही रख रहे हो पहले से। तेरी अभी इतना मारूंगा तेरे को। एफ आई आर करवाऊंगा, रुक जा अभी खड़े खड़े टाइम करवाऊंगा। रुक जाओ समझाओ भैया, जाओ कहाँ रहते हैं आप? क्या बदतमीजी करी तुमसे? क्या बदतमीजी करी? हाँ सही है, ये बताइए। आप हूटर बजा रहे थे गाड़ी में? हमने हूटर नहीं बजाया, ये पुलिस ने रोका। हमने नहीं बजाया, ये इससे हमारे ऊपर जबरदस्ती होगी। तो आपको रोक सकती है पुलिस? रोक नहीं सकती क्या? काली फिल्म लगा के चलोगे, हूटर बजाओगे, काली फिल्म थी नहीं तो पुलिस रोकेगी नहीं आपको? गाड़ी चेक कर लो। नहीं तो पुलिस रोकेगी नहीं क्या? नहीं बताइए आप। हम तो समझ में आ गया,
हमको समझ में आ गया, ये यही जबरन की रिकॉर्डिंग हो रही है, गाली गलौज कर रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, गाली गलौज वाली वो मत हम पे मत डालो। में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री की ध्वज कर एक पुलिसकर्मी से अभद्रता की जा रही है, पूरे ही मामले में पुलिस क्या कर रही है? ये खजराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है जिसमें कल रात्रि में लगभग 12 बजे के टाइम पर खजराना चौराहे पर ट्रैफिक के चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए थे, जिसमें कि ट्रैफिक पुलिस का जो सिपाही था उसने एक गाड़ी को चूँकि बार बार हूटर बजा रही थी, वो चूँकि सिग्नल बंद थे फिर भी बार बार हूटर बजा रही थी तो उसको रोका, और रोका तो वो गाड़ी तेज़ी से भगाया, तो फिर सब इंस्पेक्टर सूबेदार ने और फोर्स भेजा कि इसको रोकिए, जब रोका तो उसके साथ अभद्रता करने लगा और उसके साथ जुमा झटकी की, जिस पर से कि तत्काल खैराना थाना फ़ोन किया गया, खैराना थाना से फोर्स बुलाया गया और उसमें आरोपी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 353 सरकारी कार्य में बाधा एवं जान से मारने की धमकी 294-506 और भी 332 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अलावा उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। सर ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ जब कार्रवाई की जा रही थी तब वो थाने पर मौजूद था लेकिन उसी दौरान फरार हो गया था। हाँ ये बात सामने आई जब उसकी गाड़ी को ले जा रहे थे और जब थाने पहुंचे तभी वो बिना बताए गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से फरार हो गया था, लेकिन तत्काल थाना प्रभारी खजराना और उनकी टीम के द्वारा उसको घेराबंदी करके फिर पकड़ा, उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। किसी मंत्री की भी धमकी दे रहा था पुलिसकर्मियों को, इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन में सही कोई बात सामने नहीं आई है। सर और कोई धाराओं में कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से बदसलूकी हुई? निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह के जो सेक्शन इसमें बनते हैं वो सारे सेक्शन लगाए जाकर इनके खिलाफ कड़ी बदनामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि एक मैसेज जाए कि पुलिसकर्मी में चेकिंग के दौरान जो शासकीय कार्य कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।